हेलो फ्रेंड्स, लोक सेवा आयोग शिमला जल्द शुरू करेगा नई भर्तियां। हिमाचल प्रदेश में क्लास 1 और 2 के साथ थर्ड श्रेणी की सभी भर्तियों का जिम्मा मिलते ही राज्य लोक सेवा आयोग शिमला ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। सोमवार को आयोग ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग के पोर्टल पर एक बार अपनी प्रोफाइल बनाकर खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देना है। इस सिस्टम से अभ्यर्थी समय समय पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे ताकि वे विज्ञापन जारी होते ही विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकें। एक बार इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन होने के बाद उम्मीदवार कुछ क्लिक के साथ एडवर्टीजमेंट पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे न केवल उनका समय बचेगा बल्कि अंतिम क्षणों में पोर्टल पर ट्रैफिक की भीड़ से भी बचेंगे। आयोग के सचिव डीके रतन ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों से इस सिस्टम का लाभ उठाने की अपील की है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक सेवा आयोग 10 दिन के भीतर नई भर्तियां निकालेगा। इन भर्तियों के लिए ही ये नया सिस्टम वन टाइम पोर्टल शुरू किया गया है। आयोग कई प्रतियोगी परीक्षाएं करवाता है, ऐसे में इनके जरिए सरकारी नौकरी में जगह बनाना आसान हो जाता है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार अप्लाई करते हैं। ऐसे में लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि OTR लिंक पर रजिस्टर कर कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले सकता है। OTR रजिस्ट्रेशन लिंक UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव है। OTR रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट की पूरी डिटेल आयोग के पास ऑनलाइन सेव हो जाएगी। आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगे वहाँ पहले से ही भरी गई जानकारी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। OTR के लिए अलग से कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी को बाद में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एड्रेस आदि अपडेट करना होगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। लोक सेवा आयोग द्वारा निकलने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन आते ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दूँगा। धन्यवाद।